और ये देश के वारिस बन के बैठ गए, इनके बाप का है देश, कभी कहते हम इसका नाम बदल देंगे। देश का नाम बदल दोगे? कहते जी। फिर मैंने कहा इंडियन आर्मी का नाम क्या रखोगे? फिर आईपीएल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, एसबीआई का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, आरबीआई का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, इंडिया लफज से इनको है ना, क्योंकि हमारा गठजोड़ का नाम इंडिया है। कितना कुछ बदलोगे? मैंने कहा इतना बदलने की बजाय एक को बदल दो बस, मोदी को बदल दो बस। जो हॉस्टल में रहते हैं ना बच्चे, कॉलेज में यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में बच्चे जो पढ़ते हैं, हॉस्टल की फीस पर 18% जीएसटी लगाने वाले हैं हॉस्टल की फीस पर। इसका मतलब एक और नारा जल्दी आएगा, ना खुद पढ़ा हूँ ना किसी को पढ़ने दूंगा। उनको क्या पता भाई साहब हॉस्टल की फीस चुकानी कितनी मुश्किल होती है, चार पढ़ा है भाई साहब चौथी पास राजा है, आपको तो पता ही है। तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम? अब जब भी आप लोगों में जाने वाले हैं, लोग आपसे ये पूछने वाले हैं कि आप तो पूरा देश अपने एक दोस्त को लुटाने वाले हैं मोदी जी, 6-8 महीने में तो आप वैसे भी जाने वाले हैं, चलो जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। हम लोग करते हैं बात स्कूल की, हॉस्पिटल की, बिजली की, ये करते हैं बात नफरत की, धर्म की, जाति की। हम काम करते हैं, हम इनकी तरह जुमले नहीं सुनाते। अभी इनकी जुमलों की फैक्ट्री जोर से चल रही है, जुमले बन रहे हैं नए नए, आने वाले दिनों में नए नए जुमले आपको सुनने को मिलेंगे भाई साहब। हर बात पे झूठ बोलते हैं यार, कोई बात तो सच बोल दो देश को ना। हद कर दी इन लोगों ने, लूट के खा गए देश को, हमारा बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, हमारा बुढ़ापा खा गए, 3-3 पीढ़ियां खा गए, इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। अगर इनकी आने वाली 6 पीढ़ियां भी 500 रुपए के नोट की एक बुर्की बना के निवाला बना के खाएं तो भी नहीं खत्म होंगे भाई साहब, इतने पैसे लूट लिए इन्होंने। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मोदी जी बैठे थे सामने, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे नहीं लगता चाय भी बनानी आती होगी भाई साहब।